भोपाल समाचार की सामुदायिक पत्रकारिता के तहत एक वीडियो प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शिवपुरी जिले के कोलारस विकास खंड के संकुल केंद्र शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खरई तेंदुआ का है। इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसका नाम अनिल श्रीवास्तव बताया गया है, जो अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ हैं और संकुल प्राचार्य के लिए काम करते हैं, संकुल प्राचार्य के आदेश पर काम करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खुल्लम खुल्ला रिश्वत की रकम वसूली जा रही है। जी हाँ, ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वो रिश्वत के हैं। यहाँ बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 300 रुपये और नियमित कर्मचारियों को वेतन पत्रक देने के लिए 500 रुपये वसूले जाते हैं। बताया गया है कि इस संकुल केंद्र पर रिश्वत की रकम कुछ इस तरह से वसूली जाती है जैसे यही इनका शासकीय दायित्व हो। यहाँ अतिथि शिक्षकों से अनुभव प्रमाण पत्र के लिए 300 रुपये और नियमित कर्मचारियों से वेतन पत्रक के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं। इसी तरह हर काम के दाम भी फिक्स हैं। कर्मचारियों को यहाँ साल भर कई तरह के काम कराने के लिए आना पड़ता है, कभी एरियर्स के लिए, कभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और कभी फॉर्म 16 के लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रिश्वत का लेन देन आप देख सकते हैं वीडियो में इतना खुलेआम चल रहा है जैसे यही इनका काम है, यही इनकी मूल जिम्मेदारी है। शासन ने इसी काम के लिए इनको यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। अब आप देखिए वो ओरिजिनल वीडियो जो सामुदायिक पत्रकारिता के तहत हमें प्राप्त हुआ है। और हाँ, यदि आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो है तो आप भी हमें यहाँ भेज सकते हैं। उस वीडियो के साथ उसकी पूरी जानकारी bhopalsamachar.com के ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। अब देखिए ओरिजिनल वीडियो जो हमें प्राप्त हुआ है। Thank you.